तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आइए सर, आप बैठिए सर, मैं के सर को भेज देता हूँ। जी जी। वो केके भाई से बात आप ही करना है। नहीं बात करूंगा, आप ही बात करना, मतलब क्या? ऑल द बेस्ट। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सिट सिट सिट। आई सिल्फ केके। हेलो सर, मैं जेठालाल चंपकलाल गड्डा और ये बघेश्वर। हेलो सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड, बट कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? I would prefer speaking in English. Pepper English? English pepper khani kya? Pepper nahi Seth ji, prefer. Wo keh rahe hain sirf English mein hi baat karna pasand karenge. Oh, okay. No problem. Okay. Hello sir, I Jethalal Champaklal Gadda. Assistant my Bagheshwar. Gadda Electronics. Yeah, yeah, I get that. Mr. Dheeraj already informed me that you both would be coming here for a meeting. But before talking business, I would like to know more about Gadda Electronics. क्या बोल रहे? कह रहे हैं कि Gadda Electronics के बारे में जानना चाहते हैं। Okay, okay, sir. Gadda Electronics number one. Market. Number one, Gadda Electronics. Service full, number one. Complain no. देखिए सर, हमारी Gadda Electronics जो है ना, see please, can we talk in English? एक मिनट सेठ जी, let me handle this. Sir, we are a very reputed shop. And we are into this field since last 20 years. And we are the number one in electronic market. Excuse me, I'm a little confused here. Who is the owner of Gadda Electronics? You or him? No, him. Okay. क्या भाई him करके क्या? सांकेतिक भाषा में क्या बात कर रहा है तू उनसे? अरे नहीं नहीं सेठ जी, वो पूछ रहे हैं कि Gadda Electronics के मालिक कौन है, मैं या आप? हाँ, मालिक, आए मालिक। मगर इनको पूछना, इनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती है। नहीं आती है सर, तो फिर आपको अंग्रेजी से इतना लगाव क्यों है? मुझे एक बात बताइए, चलते चलते आपको ठेस लगती है तो आपके मुंह से क्या निकलता है? ओ मदर के, ओ माँ। और वैसे भी सर, अंग्रेजी का ये टीवी फ्रिज से क्या लेना देना? मान लीजिए मुझे तड़ाकेदार अंग्रेजी आती होती और मैं आपके साथ गॉटपेट 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 अंग्रेजी में बात करके आपको माल दे देता और फिर आफ्टर सेल सर्विस देता ही नहीं, तो चलता आपको? ना सर, के अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है, बहुत अच्छी भाषा है, उसके खिलाफ मुझे कुछ नहीं है, लेकिन हिंदी हमारी भाषा है ना, तो अंग्रेजी के चक्कर में हम हमारी भाषा भूल जाए वो तो बराबर नहीं है ना सर। देखिए सर, मैं तो आपके साथ हिंदी में ही बात करूंगा, आपको अगर मुझे ऑर्डर नहीं देना है कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कहूंगा सर कि पूरे मार्केट में Gadda Electronics जैसा रेट और सर्विस आपको कोई नहीं दे पाएगा। इनकी बात तो सही है। चलो भाग, माफ करना आपका कीमती समय। नहीं 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 नहीं, आप बैठ जाइए, हम हिंदी में बात करेंगे, प्लीज सेठ बैठ जाइए। देखिए हमारे रिजॉर्ट में 70 रूम्स हैं और उन सब रूम्स के लिए मुझे टीवी फ्रिज और एसी चाहिए और उसका ऑर्डर मैं आपको देता हूँ। अरे थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वाकई आपने हमें ऑर्डर देके बहुत समझदारी का काम किया है, हमारी आफ्टर सेल सर्विस एकदम टॉप क्लास है, आपको कंप्लेन करने का कभी कोई मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये लीजिए हमारा कार्ड, आप परचेज ऑर्डर इस पे मेल कर देना। Sure. लेकिन मेल तो इंग्लिश में कर सकता हूँ ना? ओके सर, हम लोग चले। चलिए।
आपके लिए। आपसे मिलकर खुशी हुई। हाँ हाँ, हमको भी बहुत खुशी हुई सर, बहुत खुशी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आइए सर। वाह, रूम तो बहुत सुपर है। अरे बहुत बड़ी भी है ना रूम। वाह वाह वाह, बहुत बड़ा है बाबा। क्या बात है, मस्त मस्त। चलो सोनू फटाफट फ्रेश हो जाओ। वो कहाँ गई है? बस तो विक्की, रिलैक्स करेंगे, मजे करेंगे, घूमेंगे। घूमेंगे वगैरह, आधे घंटे में फ्रेश होके नीचे मिलना है सबको। आपको जल्दी है ना, तो आप फ्रेश हो जाइए। जाइए ठीक है, पहले मैं फ्रेश होता हूँ। मेरी बैग दे दो। मेरे पास थोड़ी है। अरे तुमको दी थी ना मैंने, वो बस से उतरने के बाद आपको दी थी ना, उसके बाद मेरे पास नहीं है। कमाल है पाजी, बैग खाली। कमाल इतना है, मिल जाएगा। चलो हम बालकनी देखते हैं। हाँ, एक मस्त है नहीं? अरे आज गोंधळ झाला, ऐसे किसे भूल गया मैं नीचे बैग। अरे भिड़ंगल, ये आपका बैग है ना? हाँ ये मेरा बैग है, तुम्हारे पास कैसे है? वो गलती से आपका लगेज हमारे रूम में छोड़ गए थे। अच्छा अच्छा, थैंक यू। वेलकम भिड़ंगल, आपकी सेवा में सदैव तत्पर। थैंक यू थैंक यू। लगे ना मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं लेके जाऊंगा। अरे छोड़ देता हूँ। अरे भाई तुम जाके रेडी हो जाओ, मिलना है ना वापस। चलो एंजॉय। ओके ओके। हाँ बोलिए नीता बहन। अभी नहीं नहीं, एक्चुअली मैं आउट ऑफ मुंबई हूँ, तो दो दिन बाद आके दे जाऊंगा, है ना? हाँ ओके ओके ओके, बाय बाय। अरे आप लोग कौन हो? अरे आप कौन हो भाई? मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी। अरे तो आप हमारे रूम में क्या कर रहे हो? आपको कितनी बार बोला है दरवाजा बंद किया? अरे तो मैंने भी तो आपको बोला था ना। मैंने आपको बोला था। आपके समझ में नहीं आता है। मैंने आपको बोला था, आपके समझ में नहीं आता है। सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए आप झगड़ा मत कीजिए, मेरी गलती थी, मैं गलत रूम में आ गया। सॉरी सॉरी सॉरी। बाप रे, ठीक है ना, दरवाजा भी बंद नहीं किया, यही रूम है ना, बैग तो यही है। माधवी सोनू। हाँ इकड़े बालकनी। अच्छा अच्छा, बैग मिला? हाँ मिला मिला। बाबा फोटो। हाँ फोटो फोटो खड़े हैं। बाबा स्माइल स्माइल कीजिए ना। हाँ कर रहा हूँ ना। नहीं नहीं, काय झाले तुम्हाला, असे का तुम्ही? अरे पता है माधवी क्या हुआ, मैं जब वो बैग लेके आ रहा था ना, तो मुझे नीता बहन का फोन आया अचार बावड़ी की डिलीवरी के लिए। उनसे बात करते करते मैं किसी भलते रूम में घुस गया। ओ गुबी, कहाँ संगत है फिर? हाँ वहाँ पे एक कपल था, और वो दरवाजा खुला रख के पति अपने पति के बाल बना रहा था। अय्या गीति जान, आप ऐसे मेरे बाल नहीं बनाते हो? डोंट वरी आई, बाबा अभी बना देंगे। चालने के कोणा तक आए तक कोणा तक आए। चलो फ्रेश होना है, अभी जल्दी जाना है नीचे। आई हम एक दूसरे सेल्फीज लेके जाते हैं। हां आपण काढूया जरा। हां ए सॉरी, मोबाइल क्या देख रहा है, रेडी नहीं होना है? ओए अय्यर ब्रा, ओ मैं मोबाइल नहीं देख रहा, ओ मोबाइल में रोशन डार्लिंग की फोटो देख रहा हूं। ओ कितनी सोहनी लग रही है यार, मैं इसे मिस कर रहा हूं यार, इसके बगैर ना सुना सुना सा लग रहा है। अरे हां मैं बबीता का बहुत मिस कर रहा हूं, उसके बिना अच्छा नहीं लग रहा है। ओ हाँ यार, हमारी लाइफ पार्टनर इस ट्रिप की पार्टनर नहीं बन पाए ना, इस बात का बड़ा अफसोस रहेगा। लेकिन जोड़ी अफसोस मत कर, यह ट्रिप दो तीन दिन में खत्म हो जाएगा, हम हमारा लाइफ पार्टनर को लेकर बड़ा किसी ट्रिप पर जाएंगे। और ये भी करेक्ट है। और रोशन डार्लिंग इस बार के लिए सॉरी, लेकिन अगली बड़ी ट्रिप पे हम साथ चलेंगे। वैसे अय्यर प्रा, रोशन के ना आने का एक पॉजिटिव साइड भी है, उसके बगैर मैं पार्टी शार्टी जम के कर सकता हूँ। तेरी क्या हुआ? ए फड़े फड़े क्या हुआ? बैग, मेरा बैग, वो मेरा बैग कितने? क्या हुआ थोड़ी? मेरा बैग, वो मेरा बैग कितने? अरे ये रहा तेरा बैग। कोई ये ईयर फड़ा, ये वाला बैग नहीं। तो फिर वो जो मेरे कंधे पे था वो तूने मेरे को दिया था? नहीं। तो फिर मेरे को कैसे पता? अरे पता नहीं है तो पता लगवा, अगर बैग नहीं मिला ना तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? तो क्योंकि उसमें अपनी पार्टी शार्टी का स्टॉक है, इंपोर्टेड बोतल, वो विलायती रंगीन पानी। अगर वो बैग नहीं मिला ना तो यार मेरा तो पूरा ट्रिप खराब हो जाएगा। वो यार वो बैग का पता लगवा, वरना हमारी सारी प्लानिंग में पानी पिल जाएगा। ओए यार मैं ये हूं नहीं। ए शांत थोड़ी, शांत। वो शांत कैसे हो जाऊं? वो इतना वधिया रिसोर्ट, वो इतना वधिया मौका,
बिना रोशन के पार्टी शार्टी करने का, वो मेरे हाथ से निकल गया तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। अरे एक मिनट छोड़ी, शांत हो जा, शांत हो जा। तू मेरे को एक बात बता कि लास्ट में वो बैग तूने कहां पर रखा था, तेरे को कुछ याद है? कहां पर रखा था? अब बस वो याद आया, जब मैं बस से उतरा था तो वो एंट्रेंस में जो पाइनएप्पल वाला फाउंटेन था ना, उसके पास रखा था मैंने। अरे तो फिर वहीं पर ही होगा, चल जा कर देखते हैं। चल 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 चल। किधर रखा था तूने? वो इधर ही तो रखा था, पक्का इधर ही रखा था? ओ हाँ यार ब्रा पक्का, वो मैंने इधर ही रखा सी, वो किथे चला गया? ओ यार जमीन निकल गई कि आसमान खा गया? ओ यार, ओ यार ब्रा मैं आपको आंखों देखी करके दिखाता हूँ। ओ जी हमारी बस यहाँ के रुकी थी है? बस से सारे उतरे, वो ढोल की आवाज में नाचने लगे, तो मैं भी उतरा, तो मेरा भी मन किया और ढोल की आवाज में नाचने का, लेकिन जैसे ही मैंने अपने कंधे उठाए तो ये बैग जो है ना मुझे अड़चन डाल रहा था, अनकम्फर्टेबल कर रहा था, तो मैंने बैग उतारा और ऐसे यहाँ नीचे रख दिया और ढोल की आवाज में नाचने लगा और पप्पू की वाह करने लगा और पागड़ा पाने लगा। थोड़ी 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 नाचना बंद कर, हो सकता है जरा बैग आत्माराम ने देखा और संभाल कर रख लिया। ओ यार ये भी हो सकता है, चल चल पिल्लू को चल के पूछते। चलो 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 चलो। ओ यार ब्रा, इतने सारे कमरों में पिल्लू का कमरा कौन सा है? 5005 है। 5004 5006। अरे तो घंटी बजा। अरे अरे मिल गया मुझे, तुम्हारा भी बैग मिल जाएगा यार। हाँ सोड़ी भाई ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ऐसी गड़बड़ हो जाती है। माधवी पिड़ू 15 मिनट में आ जाएगा। हाँ, 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 बनिए ना तौलिए, मैं हूँ मैं, मुझे कपड़े तो पहले दिए होते, और इतना क्या टेंशन ले रहा है बैग का? ओए पिड़ू वो कोई ऐसी वैसी बैग नहीं है। थोड़ी पिड़ू वो कोई ऐसी वैसी बैग नहीं है, अपनी पार्टी शार्टी वाली बैग है। हजे हेलो सर, हेलो हेलो, एनी प्रॉब्लम सर? नथिंग नथिंग, वी आर जस्ट चैटिंग। ओके सर, एक्सक्यूज मी। अरे तो भी पार्टी शार्टी कैसे करेंगे? ये थोड़ी एक नंबर का केयरलेस आदमी है। अभी क्या करना है? अभी सिर्फ एक ही काम हो सकता है। क्या? मैं मुंबई वापस जा रहा हूँ। वो पार्टी शार्टी नहीं, रोशन नहीं, वो जी मेरा तो मूड ही खराब हो गया, मेरे रुकने का कोई फायदा नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ। क्या कर रहे हो भाई? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पहले बैग ढूंढा नहीं और हार मान ली तुमने? मिल जाएगा भाई, मिल जाएगा। सबके रूम चेक किए? ए आत्माराम हम लोग सबसे पहले तुम्हारे रूम में ही आए। अच्छा, अगर वो बैग टप्पू से ना या किसी लेडीज के हाथ में लग गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। पै गया स्यापा। हाँ एक काम करते हैं, मेहता साहब का रूम यही बाजू में ही है, वहाँ जाके चेक करते हैं। वहाँ पे बैग मिला तो ठीक, वरना मेहता साहब को लेकर बाहर आएंगे और फिर उनको पूछेंगे कि करना क्या। ठीक है, मैं कपड़े बदल के आता हूँ। कितने चले आए यार कपड़े, तौली निकाली थी। तुम्हारी जुल्फों की छांव में बस जाना चाहता हूँ। तो कौन मना कर रहा है? तुम्हारे आंखों के सागर में डूब जाना चाहता हूँ। तो डूब जाइए, किनारे पर क्यों खड़े? सोचता हूँ इन हाथों को पकड़ के मोहब्बत के रास्ते पे निकल पड़ूं। हाँ तो कदम क्यों रोक रखे हैं? अरे हमें तो इजाजत की जरूरत है कि कोई दिल का दरवाजा खोले और हम चले आए। तो आ जाइए, दिल का दरवाजा खुला है। मैंने कहा तो सही दरवाजा खुला है, फिर डोरबेल क्यों बजा रहे हैं? इस दरवाजे की घंटी बज रही है। सॉरी क्या हो गया? सॉरी सॉरी थोड़ा अर्जेंट। हाँ अरे भीड़ क्यों चुप रहा है? वो पीड़े आगे आना अपने लोग हैं। ऐसा क्या हुआ कि इस साल में आयो? मतलब
मेहता साहब, मेरा बैग खो गया, कहीं गलती से आपके कमरे में तो नहीं आ गया? इसके लिए इतना क्या सस्पेंस बना रहे हो टेंशन में? भाई बैग खो गया तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं। टेंशन है मेहता साहब, कि उस बैग में अपने पार्टी शार्टी का सामान था। क्या ये बहुत लापरवाह है। सोड़ी, वो पोपट लाल के सम्मान समारोह में कुछ डांस का स्टेप बता, पांव पे पांव लगा दिया। सोड़ी भाई, थोड़े इजी स्टेप्स दीजिए ना फिर। ऐसी लापरवाही तू कैसे कर सकता है छोड़ी? अब वो की लापरवाही ठीक करिए। ठीक करिए क्या भाई, बाकी कमरों में जाके देखते हैं, कहीं ना कहीं तो बैग होगा, ढूंढना पड़ेगा भाई। अंजलि हम आते हैं जरा। कहाँ जा रहे हैं? अरे वो ऊपर डाल के सम्मान समारोह की जरा जगह देखते हैं, क्या करना है कैसे करना है। अब अभी आता हूँ। हाँ अभी अभी। हाँ अंजलि प्रजय जी, इजी स्टेप देंगे। हाँ ठीक है। अरे कपड़े तो चेंज कर देते मुझे। ये बैग खो गई है, तेरे को कपड़ा नहीं भाई है। ये सब छोड़, ये बताओ किस किस का रूम चेक कर लिया? मेरा कर लिया, आपका कर लिया। डॉक्टर आदि का रूम कौन सा? कोमल, मैं अपने लिए नाश्ता ऑर्डर कर रहा हूँ, तुम कुछ खाओगी? मेरे लिए कड़क मसालेदार चाय। ओके सुनिए, दो मसाले वाली कड़क चाय और चार आलू पराठा। ओके ओके, हाँ भेज दीजिए। थैंक यू। क्या तुम सोचना यार, अब बैग खो गई है, तेरे को कपड़े नहीं भाई है। अरे वाह कोमल, ये ऑर्डर इतना जल्दी आ गया, बहुत फास्ट है। आ रहा हूँ। अरे डॉक्टर कोमल भाभी, आपके सामान के साथ कोई दूसरा बैग आ गया है क्या? नहीं तो वो सोड़ी का एक बैग खो गया है असल में। डॉक्टर आते आइए ना, जरा बैग ढूंढने में मदद कीजिए ना। अरे वो क्या है ना कि मैंने नाश्ता ऑर्डर किया है तो वो खाने के बाद आता हूँ ना। थोड़ा जरूरी आइए ना, बैग खो गया है। कोमल तुम यहाँ रूम में ही रहो, मैं जरा सोड़ी का बैग ढूंढने में मदद करता हूँ। मुसीबत पे साथ देना हम गोकुलधाम वासियों का फर्ज है। मैं अभी आता हूँ। और हाँ, वो नाश्ता है तो मेरे लिए रखना। ओके। क्या हुआ, आप लोग बैग को लग के इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ खाने का सामान था क्या? अरे खाने का नहीं डॉक्टर आती, पीने का सामान था। अरे जिस बैग में बोतल थी वही बैग हो गया। अरे बाप रे, क्या किया सोड़ी तूने ये? अब वो बैग नहीं मिला तो? डॉक्टर आती है तो नेगेटिव बोलकर टेंशन मत दो। हम लोग एक काम करते हैं, तीसरे माले पर जाकर टप्पू सेना के रूम में चेक करते हैं। हाँ, मैं चेंज करके आता हूँ। क्यों जा रहा है तुझे? अरे अभी माला चेंज हो रहा है, माला तो चेंज करूँ दे। यार उस सोसाइटी में तू बनियान में घूमता है, तब तुझे शर्म नहीं आती? जब सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी आए थे तब उनसे तू बनियान में मिला था, याद है? तब तुझे शर्म नहीं आई, आज तुझे बनियान से बड़ा एतराज है। बच्चन साहब ने तुझे बनियान में देख लिया, टप्पू सेना में तो बच्चे ही देख लेंगे तो क्या हो जाएगा? चल ना भाई, उन बहाने ना बना, चल। आइए आइए, मैं गोली के रूम में देखता हूँ, आप टप्पू के रूम में देखिए। ठीक है ठीक है। मित्रों, हमारी पार्टी शार्टी का जोश और उत्साह बिल्कुल ठंडा पड़ गया, क्योंकि हमारी पार्टी शार्टी का बैग गायब है। ये सोड़ी बैग का थोड़ा सा ध्यान नहीं रख सकता था क्या? अति उत्साही लोगों के साथ यही होता है, उत्साह उत्साह में गड़बड़ कर बैठते हैं। अब हमारी पार्टी के बैग पर किसकी नजर लग गई या किसी की नजर पड़ गई है? भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ये बैग महिला मंडल और टप्पू सेना के हाथ में लग जाए। अगर ऐसा हो गया तो इस रंग तरंग रिसोर्ट में पार्टी शार्टी की जगह हमारा तो फालूदा बनने वाला है। मित्रों, अब मैं पार्टी का ये पार्टी शार्टी का बैग ढूंढने जा रहा हूँ, आपके पास कोई आइडिया तो बताइए क्या किया जाए, प्लीज बताइए जरूर। और तैयार रहिए हंसने के लिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।